मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 9। आज मैं हिंदी के पाठ 9 आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए आपके पाठ 9 में क्या है, अजंता एलोरा की यात्रा। तो इसमें क्या किया गया है, इस पाठ का हमारे उद्देश्य क्या है कि जो अजंता है वो हमारे क्या है, ऐतिहासिक स्थल है यहाँ। तो ऐतिहासिक स्थलों की सैर करने की इसमें हमें सीख दे रहा है। और अजंता एलोरा जो है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने गुफाओं के लिए। तो अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में विस्तार से बताना। देखिए इस लेसन के अंदर क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रेलगाड़ी ठसा ठस भरी थी, स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। यानी क्या थी कि स्टेशन में जो गाड़ी थी तो वो उसमें इतने सारे लोग थे, इतने सारे आदमी बैठे थे कि वो गाड़ी एकदम से इतनी ठसा ठस भरी थी, यानी बहुत ज़्यादा भरी थी, उसमें बैठने की जगह नहीं थी। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय ने यात्रा दल के लिए गाड़ी के स्थान पहले से ही आरक्षित करवा लिया था। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, उधर गाड़ी ने सीटी दी। लोहे की पटरी पर सांप की भांति रेंगती हुई रेलगाड़ी छुक छुक की ताल के साथ आगे बढ़ने लगी। देखिए फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन भर याद रहेगा। देखिए हम लोग भी कहीं पिकनिक मनाने या घूमने जाते हैं तो हमें क्या होता है, हम उसमें कितना इंजॉय करते हैं, यानी मुझे हम लोगों को बहुत आनंद मिलता है। और हम लोग उस चीज़ को हमेशा अपना एक अच्छा सा पल बना के, अच्छा सा दिन बना के हमेशा यादगार उसे बनाए रहते हैं और हमेशा याद करते हैं। तो वैसे ही इस पाठ में बताया गया कि वो लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, अजंता जाते हैं। तो क्या है आपके एलोरा में जो है तो वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, जब अपने गाड़ी से यानी उसमें रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो जब रेलगाड़ी चल देती तो उन लोगों को बहुत आनंद आता है। उधर खिड़की के बाहर क्षण क्षण बदलते मार के दृश्य, इधर साथियों के अपने हंसी मजाक, छीना छपटी, खाना पीना, खाना बजाना, सब कुछ आनंददायक प्रतीत हो रहा था। हंसी खुशी के वातावरण में कब एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। यात्रा के ये 7 दिन ना होकर स्वप्न लोक की 7 घड़ियाँ थी। जैसे हम कोई स्वप्न नहीं देखते हैं तो उसी तरह क्या बोल रहे हैं कि ये मतलब 7 दिन नहीं हो गए। जैसे स्वप्न हमारा जल्दी से ख़त्म हो जाता है, हम लोग जहाँ सोते हैं थोड़ा सा देखते हैं और फिर जग जाते, उसी तरह उसको इस 7 दिन का पता नहीं चला। सवेरे 5 हमारा दल जलगांव पहुंच गया। वहां से अजंता के लिए 1-1 घंटे के बाद बसें चलती हैं। हमारी बस ज्यों जो अजंता की ओर जा रही थी त्यों तो पहाड़ी निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सामने एक काष्ठ पट पर लिखा था अजंता, यही अजंता नामक गांव है, इसी कारण इन गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएँ पड़ी। हमने देखा है कि गांव के 3 ओर पहाड़ी है जिसकी गोद में बघोरा नदी बह रही है। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। पथ प्रदर्शक कौन होता है, जो आपका रास्ता बताने वाला होता है। तो ये क्या कहते हैं कि हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने के लिए हम लोग चल दिए। उसने हमें बताया अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 यानी 29 गुफाएं हैं। इनमें 5 मंदिर हैं जिन्हें चैत्य गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती है। इसके अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं और पढ़ते लिखते थे। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। हमने देखा कि गुफा में एक छेद से इतना प्रकाश आ रहा था कि उससे लगभग सारी गुफाएं जगमगा रही थीं। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र अंकित थे। देखिए जब हम क्या वो बोल रहे हैं कि जब हम गुफाओं के अंदर गए तो जो वहाँ की दीवारें थी उसमें क्या थी, सुंदर चित्र यानी उनके मूर्ति बने, सुंदर चित्र उसमें क्या थे, अंकित थे यानी बने हुए थे। और मंदिरों में पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी। ये देखिए जैसे
जैसे आपके डायग्राम में दिखाया गया है, तो उनके दीवारों में इसी तरह क्या की थी, मूर्तियों को कुदेर कर पत्थरों में बनाई गई थी। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया, अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने हैं, भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इसका निर्माण किया था। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफाएं 628 ईस्वी में बनकर तैयार हुईं। हमने गुफाओं में घूम घूम कर चित्र देखे, कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई यक्ष कुमारी हाथों से सुंदर पुष्पों की माला गूथ रही है, कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संघ में जाते हुए अपने पति को देख रही है। 17वीं गुफा में अंकित एक जातक कथा के बारे में पथ प्रदर्शक ने बताया, महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का नाम बोधिसत्व था। एक बार बोधिसत्व ने मृग के रूप में जन्म लिया और वह अपने झुंड का मुखिया बन गया। एक दिन राजा उसी वन में शिकार खेलने आए और शिकारियों ने ऐसा जाल फैलाया कि सारा झुंड उनकी पकड़ में आ गया। राजा ने बधिकों को आदेश दिया कि रसोई के लिए प्रतिदिन एक मृग मारा जाए। एक दिन एक गर्भवती हिरनी की बारी आई, उसे देखकर बोधिसत्व को दया आई। उसने राजा के सम्मुख मतलब राजा के सामने उपस्थित होकर प्रार्थना की कि इस हिरनी के बदले मुझे मारकर इसे प्राण दान दिया जाए। इस घटना का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सभी हिरणों को मुक्त यानी स्वतंत्र कर दिया और भविष्य में जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की। उस राजा ने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी जीव जंतु को नहीं मारूंगा। हम अजंता से एलोरा पहुंचे। एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं, इनमें 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं और 12 बौद्ध मत की, 5 जैन मत की तथा 2 साधारण हैं। हम तो पहली गुफा देखकर ही चकित रह गए। उस काल में जब मनुष्य के पास आधुनिक यंत्र नहीं थे, केवल छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तराश कर ऐसे कला मंदिर बनाना सरल कार्य नहीं था। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियाँ हैं, छत हैं, स्तूप हैं। क्या मजाल की एक स्तूप से दूसरे स्तूप से तिल भर भी भिन्न हो। बौद्ध गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। वहीं हमने एक तिमंजली गुफा भी देखी। तिमंजली होने के कारण ही इसका नाम 3 थल पड़ गया है। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर हमें सबसे अच्छा लगा। यह एक ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं के मूर्तियां खुदी हुई है। जैन गुफाओं में 2 मंदिर बहुत बड़े हैं, इंद्रसभा मंदिर और जगन्नाथ सभा मंदिर। इनकी मूर्तियां अब टूट गई हैं। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया, इन गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1300 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुई। आज ये गुफाएं हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों का सुंदर संगम स्थल है। इस यात्रा में हमने अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए। इससे बढ़कर और कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है? फिर इसके बाद आपकी वर्ड मीनिंग है यानी शब्दार्थ, ये आप लोगों को अपने कॉपी में नोट्स करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो अजंता में छोटी बड़ी गुफाएं हैं, कितने हैं, 29 हैं। अजंता में चैत्य गुफाएं कहते हैं मंदिरों को। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है विश्वकर्मा। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। सवेरे 5 बजे हमारा दल कहाँ, जलगांव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलगांव पहुंच गया। सामने काष्ठ पट पर लिखा था अजंता।
तो सिकंड में क्या हो जाएगा, अजंता काष्ठ पट्ट मीन्स क्या होता है, जो आपकी लकड़ी की तख्ती रहती है जिसमें लिखा रहता है कि किसी भी जगह का नाम या किसी का आपका जाने का रास्ता, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल। बौद्ध की गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है, इसका आंसर विश्वकर्मा हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजंता गांव की भौगोलिक रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो अजंता गांव के तीन ओर पहाड़ी है जिसके गोद में बघोरी नदी बह रही है। अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं, सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अजंता की गुफाओं का निर्माण कब और किस काल में हुआ। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफाएं 628 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चैत और बिहार गुफाओं में क्या क्या कार्य होते हैं। तो चैत गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती है, बिहार गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते हैं और पढ़ते लिखते थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाओं के बारे में इतिहास के शिक्षक ने क्या बताया। तो इतिहास के शिक्षक ने बताया कि अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने हैं, भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इनका निर्माण किया था, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफाएं 628 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। नेक्स्ट क्या है आपका, भाषा का बात है। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सबकी प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रयाग गया, संगम में स्नान किया और शाम को बाजार में घूमा। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है कि हम जैसे जो दो वाक्य जोड़ता है उसके बीच में और ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखिए हम लोगों को संयुक्त वाक्य बनाना है। तो फर्स्ट है, राजा ने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया, भविष्य में उसने जीव हिंसा ना करने की प्रतिज्ञा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राजा ने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और यहाँ पे बीच में क्या जुड़ जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य और जुड़ जाएगा, भविष्य में उसने जीव हिंसा ना करने की प्रतिज्ञा की। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, गाड़ी ने सीटी दी। तो इसमें संयुक्त वाक्य कहाँ लग जाएगा आपके, यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, उधर यहाँ पे उधर हो जाएगा, तो उधर गाड़ी ने सीटी दी। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे क्रिया क्या हो गई, जैसे आपके क्रिया हो गई उठना, चलना, बढ़ना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो आपकी क्रिया होती है उसकी जो विशेषता बताएं तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अभी, बहुत, आदि। अब निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को हमें क्या करना है, रेखा चित करना है। तो रेलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। और हमें सवेरे जल्दी उठना पड़ा, तो इसमें जो जल्दी है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। रघु प्रतिदिन देर से स्कूल आता है, तो इसमें देर से क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। यह खबर 4 दिन से लगातार समाचार पत्र में छप रही है, तो इसमें आपका लगातार क्रिया विशेषण हो जाएगा। अजंता एलोरा का अर्थ है अजंता और एलोरा। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह के लिखे, तो ये इस तरह के शब्द किस में आते हैं आपके, जो आपके द्वंद समास होते हैं। द्वंद समास में ये आपके जो डैश वाले निशान होते हैं, इसका मतलब और होता है, एवं होता है, तो इसका मतलब चिन्हों का प्रयोग ये होता है।
तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते लिखते, तो इसका क्या हो जाएगा, पढ़ते लिखते का पढ़ते और लिखते हो जाएगा, देश विदेश का क्या हो जाएगा, देश और विदेश। और थर्ड, जूते मोजे का क्या हो जाएगा, जूते और मोजे, इधर उधर का क्या हो जाएगा, इधर और उधर। आपका ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। थैंक यू।